दीदी अपने कैसे कैसे अली है? अपने तो महदैया के हती ना दीदी। हम महदैया से अली है। भीओ तो बन गए दीदी, 10 गो समूह जुट गए। अब कौन समूह कैसे काम करे, कौन समूह बनिया काम करे, हम लोग के कैसे पता चलते दीदी? दीदी यहाँ के भी बहुत पुरान है दीदी, इतना समूह कैसे देख रेख कहाँ से करे? हाँ दीदी, हमारे भीओ तो बहुत पुरान है, 7-8 साल से चल रहा है। हमारा समूह के अंतर्गत मतलब 17 गो SAG है। 17 गो SAG के SAG में जाके तो नहीं देखना है, मासिक प्रतिवेदन के आधार से हम देखे थी कि कौन समूह बढ़िया चल रहा है, कौन समूह खराब चल रहा है। दीदी मासिक प्रतिवेदन की हो, हम न जाने छे। मासिक प्रतिवेदन ये है दीदी कि मतलब अथी बैठक जो हो में महीना में 4 गो बैठक जो हो, चारों बैठक में सब दीदी उपस्थित हतन कि न हतन। मतलब 4 गो बैठक में अगर 15 गो दीदी है तो 15 गो दीदी उपस्थित हतन तो 100% आ गए। अगर एक दीदी कम हतन तो 90 आ गए, हतन कि न हतन। और दूसरी बात कि बचत सही से करै छन कि न, 100 में 100 करै छन कि न। तीसरी बात है कि जे ऋण लेलन है से वापस करै छन कि न करै छन। और मासिक प्रतिवेदन भीओ में जाइए कि न जाइए? मासिक प्रतिवेदन समूह में बनै छै कि भीओ में बनै छै से हम दीदी न जानै छी। समूह से CM द्वारा मासिक प्रतिवेदन बना के लीडर के मिलै छै कि भीओ में ले जाला, लीडर भीओ में ले जाके मासिक प्रतिवेदन। दीदी बिहान राधा समूह के मीटिंग है 10 बजे आ जाए, कैसे CM बनबे मासिक प्रतिवेदन से आके देख ले। ठीक है दीदी, हम ठीक है दीदी, हम सकल दोनों गोरे 10 बजे चल हम देख ले। कैसे कैसे दीदी आवे के भेले? दीदी हम अली है कि हम राई गणेश भी के दोनों लीडर हतन अलन है, तो रास्ता में भेट आ गलन है, समूह देखे लगे अलन है। और मासिक प्रतिवेदन कैसे भराई छे से देखे अलन है। अच्छा अच्छा दीदी, तो बहुत समय से आ गई है, मासिक प्रतिवेदन पर चर्चा हो जा रहा है। आओ दीदी बैठू। इंद्रमाला दीदी, अगला मुद्दा की है दीदी? अब मासिक प्रतिवेदन पर चर्चा है। मासिक प्रतिवेदन दीदी अहाँ से तो जानै छिए। इंद्रमाला दीदी हमरा समूह के लेखा पालन हथिन, उनका CMO दीदी कहै छिए। मासिक प्रतिवेदन दीदी कैसे भराइ छै से अपने से देखियौ। मासिक प्रतिवेदन समूह से भरा के भीओ में जाइ छै। इंद्रमाला दीदी मासिक प्रतिवेदन भरे के शुरू करिए, काम करिए। ठीक है दीदी, अब मासिक प्रतिवेदन भरे के है। देखिए दीदी, पहला में है 1 नंबर में मासिक प्रतिवेदन में है कि मूलभूत सूचना, जैसे ए में है समूह के नाम। समूह के नाम में भरे छी कि राधा जीविका स्वयं सहायता समूह, और गांव के नाम मधुबनी, ग्राम संगठन के नाम लक्ष्मी जीविका, पंचायत के नाम महदैया, प्रखंड के नाम मीनापुर, समूह गठन तिथि 1/6/2008 में समूह गठन तिथि, कुल सदस्य की संख्या 15। एम दूसरा नंबर में दीदी अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष के मासिक प्रतिवेदन में नाम लिखाई छे। तीसरा में है उपस्थित प्रतिशत, 1 महीना में कितना बैठक होले ओकर उपस्थित प्रतिशत लिखाई छे कि 15 दीदी में कै दीदी कितना बैठक में अलथिन है। ओकर बाद कुल बैठक के संख्या लिखाई छे। चौथा में है बैठक दीदी, में है पिछले माह तक के बैठक, आयोजित बैठक होने वाली बैठकों की संख्या कि पिछले माह तक कुल समूह में कितना बैठक होए के रहलै है, कितना भेलै है, ओकरा बाद आयोजित बैठकों की संख्या यानी कितना बैठक होए के रहलै है, कितना बैठक महीना में भेलै है, ओकर लिखे के है। ओकरा वर्तमान माह में दीदी, जैसे अप्रैल माह में बैठक
एक महीना के कैगो बैठक रही है और कितना भलाई है, जैसे एक बैठक के चार, एक महीना में चार बैठक रही है तो चार बैठक भलाई है, तो दीदी में चार बैठक हम इमें लिखे। ओके बाद पंचमा में है बचत, इमें दीदी बचत में है कि बचत के प्रकार, इमें नियमित बचत, स्वास्थ्य बचत, आकस्मित बचत, अन्य बचत है, जिसमें दीदी है प्रति सदस्य प्रति माह कितना बचत कर छथिन उ दीदी हमें लिखे छे। ओकर बाद है पिछले माह तक का कुल बचत, दीदी पिछले मार्च महीना तक ले कुल बचत समूह में कितना है उ हमें लिखबे। ओकर बाद में वर्तमान माह में अप्रैल माह में पंद्रह दीदी में कितना बचत है एक महीना के उ लिखे के, मैं कुल जोड़ के कुल बचत लिखे के। पिछले माह तक दीदी 45,000 अहाँ के टोटल बचत के लिए है, और वर्तमान माह में अप्रैल महीना में दीदी अहाँ के 770 रुपया बचत के लिए है, कुल मिला के 45,770 रुपया बचत हो गया। स्वास्थ्य बचत दीदी पिछले माह तक 4,500 रुपया भेलै है, ये महीना में दीदी 40 रुपया बचत के लिए है, टोटल 4,540 रुपया स्वास्थ्य बचत हो गई। देखो दी अगला बचत भी आकस्मिक बचत, जैसे कोई अन्य बचत दीदी करे छिन तो वो बचत भी का भी कॉलम है वो में लिख, अगर करे छिन दीदी तो वो लिखत है। ओकर बाद छठा में है कि प्राप्त बैंक से ऋण की राशि, जैसे ये अप्रैल महीना में बैंक से ऋण अगर समूह में दीदी अलै है तो वो एमे यही कॉलम में जैसे लिखबे कि इतना, जैसे 15,000 रुपया दीदी बैंक से ऋण ले छथिन तो 15,000 रुपया में लिखबे। ओकर बाद आर एफ राशि, आर एफ राशि महीना में ये समूह के ग्राम संगठन के द्वारा समूह में 15,000 रुपया आर एफ राशि अलै है समूह में। आठवां में दीदी कि सामुदायिक निवेश से निधि से, जैसे आई सी एफ राशि अबै छै, एच आर एफ ऋण है ग्राम संगठन से, एफ एस एफ है, तो वो दीदी ये महीना अप्रैल महीना में न अलै है, ये चलते दीदी में न लिखबे। अगर अगर अप्रैल महीना में आल रहती दीदी में लिखती है कि सी आई एफ अथी राशि इतना आल है, एच आर एफ ऋण राशि इतना आल है और एफ एस एफ राशि इतना आल है। देखो दीदी आठवां में है प्राप्त सामुदायिक निवेश निधि से राशि में है, जैसे आई सी एफ है, एच आर एफ ऋण है और एफ एस एफ ऋण है। जैसे अब नौवां में है दीदी कि प्राप्त सामान्य ऋण के राशि जो ग्राम संगठन से अबै छै से लिखे के है। दसवां में है दीदी ऋण वापसी का विवरण, दीदी थोड़ा ऋण वापसी के विस्तार रूप से बता दिए कि दीदी लोग समझ जाते। देखियो दीदी जैसे में है बैंक ऋण, आई सी एफ ऋण, सामान्य ऋण, एच आर एफ ऋण, एफ एस एफ ऋण और अन्य है। दीदी ग्यारहवां में है समूह द्वारा सदस्य को दिए गए ऋण का विवरण वर्तमान माह में, जैसे अप्रैल माह में जो दीदी ऋण के मांग है और वर्तमान माह में ऋण के मांग है, जैसे कि जया दीदी 2,000 ऋण लेलखिन हाँ, वो दीदी यहाँ के लिखे के है। हाँ दीदी वो जया दीदी ऋण लेलखिन हाँ वो लिख लेलिए। दीदी बारहवां में है आय और व्यय का विवरण है, जैसे में है कि एक महीना के बैठक में कितना कुल आमदनी भलै है और कितना खर्च भलै है वो में लिखे के है, समझ ली दीदी सर। तेरहवा तेरहवा में है अंतिम बैंक शेष माह के अंत में, दीदी ये समूह में राधा समूह में 19,640 रुपया है। और चौदहवा में है अंतिम नगद शेष माह के अंत में 6,214 रुपया है। पंद्रहवा में है कि प्राप्त वर्तमान माह में प्रशिक्षण के बारे में लिखे के है। सोलहवा में है बीमित सदस्यों की संख्या वर्तमान माह में, बीमित जो बीमा दीदी करवा छथिन उनकर में लिखे के है। और सत्रहवा में है, सत्रह में वर्तमान माह में समूह द्वारा की गई सामाजिक गतिविधि, तो दीदी ये महीना में एगो दीदी शौचालय के काम कलथिन है, ओकर में लिख लिए है कि मैं काम कलथिन से। दीदी एमे अपन हस्ताक्षर कर ली है और ली हूँ यहाँ अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष साइन कर दियो और तब मोहर लगी। अनीता दीदी अहाँ समूह के सचिव हती
मासिक प्रतिवेदन बन गए। मासिक प्रतिवेदन परसों वीओ के मीटिंग है, वहाँ लेके अहाँ जब मासिक प्रतिवेदन। दीदी मासिक प्रतिवेदन भर के देख लिये समूह में तो समझ में आ गया कि यहाँ कैसे मासिक प्रतिवेदन भराई छे। इसे परसों वीओ के मीटिंग है, दीदी लेके जाथिन। हाँ दीदी, समझ दीदी। अब तो समूह में हम मास प्रतिवेदन तो देख लिये, वीओ में परसों जब जब देखे देखे वहाँ कैसे भराई छे। यह मासिक प्रतिवेदन के आधार से वीओ में ग्रेडिंग हो, ग्रेडिंग हो तो आके जरूर देखो। ठीक है दीदी, चल। दीदी अपने के तो अभी मीटिंग कुछ देर और चली, लेकिन हमरा सके अभी इजाजत दीव, हम जाए। भैया अगला एजेंडा कौन सी है? समूह की समीक्षा। दीदी हर समूह से सब सचिव अपन अपन मासिक प्रतिवेदन लेके तैयार हो जाए। वो आ जा समूह। राधा समूह। निकल भैया, 17 समूह के मासिक प्रतिवेदन हाली। सुखलाल भैया, मासिक प्रतिवेदन के आधार से समूह के ग्रेडिंग बना लो। आनंदी दीदी, मीना दीदी, अपने समझाई थवाई जाए ग्रेडिंग शीट कौन ची है, तब ग्रेडिंग शीट के बारे में समझ लो। कि ग्रेडिंग शीट के मतलब यह भेलै कि समूह के श्रेणीकरण, वैसे पता चल जाए छे कि कौन समूह में अच्छा काम होइ छे और कौन समूह में ना बढ़िया काम होइ छे। दीदी ई मासिक प्रतिवेदन हर माह आवे छे वीओ में, और यही आधार से देखै छियै कि कौन समूह बढ़िया है और कौन समूह खराब है। ए लेल मिला जुला के अच्छा और खराब के मिला जुला के बाँटल जाए छे। दीदी ऐसा ही 17 समूह के काम काज के पता चला लै छियै? हाँ दीदी, सही समझ लिए यहाँ। लाल भैया ये बताओ तो, जो सबसे इस महीने के सबसे खराब समूह कौन है? दीदी ये महीना के सबसे खराब वहाँ के ख्वाजा ऐसे जी। ख्वाजा समूह के दीदी खड़ा हो जाओ। दीदी यहाँ के समूह में की दिक्कत है, काहे खराब चल रही है? दीदी हमारा समूह में ये दिक्कत है कि सब दीदी मिलते हैं सही से, समय से उपस्थित ना हो, और वह में ती कारण है कि दो दीदी जो है से पैसा ते ऋण आपस ना तर, इसी में और दिक्कत है। दीदी ये दिक्कत है कि दो दीदी तो तारा सब दीदी बनती है, दो तीन दीदी जो है ना से बनती है, वो दीदी पैसा भरतथिन तब ना हम भरब या ना तब ना भरब, ये दिक्कत हमारे समूह में। रिपेमेंट कमिटी दीदी खड़ा हो जाओ। दीदी अगला महीना में अनीता दीदी के लेकर के ख्वाजा समूह में जाए के है, ख्वाजा समूह के बैठक में, और वहाँ उपस्थित भी देखे के है और वापसी ऋण वापसी भी करवावे के है सही से। दीदी अनीता दीदी ना अलथिन? ना अलथिन अनीता दीदी, तो अनीता दीदी के लेके अगले महीने वहाँ के उपस्थित भी सुधारे के है और ऋण वापसी भी सुधारे के है। ठीक है दीदी। दीदी अहाँ के समूह में रिपेमेंट कमिटी जाई हैं, अहाँ से एक महीना के अंदर में पूरे समूह के सुधार लेवे के है। ठीक है दीदी। मुखलाल भैया ई महीना के सबसे अच्छा समूह कौन है? दीदी इस महीना के सबसे अच्छा समूह पार्वती से जी। पार्वती समूह के लिए अब दीदी ताली बजाइए। पार्वती समूह के तीनों दीदी खड़ा हो जाओ। दीदी अपने के समूह पिछले महीना में भी नंबर वन पर आयल रहल रह, और ये महीना में भी नंबर वन पर है, की कराई छी जे अपने के समूह इतना बढ़िया है? दीदी देखिए हम सब दीदी मिल के समय से आ जाए छी, समय से बचत भी करै छी। हमरा समय में दीदी एगो आपस न रहते ना, पैसा ऋण आपस न करते, बाकी हम सब दीदी मिल के आपस करवा।
हमार दीदी सीएम दीदी हतन से पहले ही 8 दिन पहले बता दै छथिन से कितना रिंग आपस करे के है। हमार सीएम दीदी एक दिन एक हफ्ता पहले बता देवल हथिन कि से कौन दीदी के कितना ऋण आपस करे के है। दीदी आप समझ गेलिए जे समूह अच्छा चलावे के लेल की करे के होय छे से। हां दीदी मुखिया भैया समूह के ग्रेडिंग शीट के आधार से अभियो के भी मासिक प्रतिवेदन बना लियो। जी हां दीदी 23 तारीख के सेलेफ के मीटिंग है, अहां के बैठक खत्म होने के बाद हम अहां के बना के दे देब। अच्छा ठीक है भैया। दीदी जैसे समूह के मासिक प्रतिवेदन भीओ में अलग वैसे ही भीओ से मासिक प्रतिवेदन बना के सीएलएफ में जाए छे। दीदी जैसे अपना ग्राम संगठन में लक्ष्मी भीओ में सबसे अच्छा पार्वती समूह है वैसे ही विकास सीएलएफ में अपन लक्ष्मी भीओ के अच्छा बनावे के है। सब दीदी मिल के प्रयास करवाए ना तो अपन लक्ष्मी भीओ विकास सीएलएफ में सबसे बढ़िया हो जाते। दीदी हमर सके बैठक तो अभी चलता ही कुछ देर लेकिन मासिक प्रतिवेदन के बारे में जे अपने समझे के रहे तो हमर सके मासिक प्रतिवेदन के प्रक्रिया पूरा हो गई। दीदी मासिक प्रतिवेदन के बारे में बहुत अच्छा समझलिए। अब हम जाए अपना समूह भीओ में मासिक प्रतिवेदन लागू करवाए। दीदी अहाँ के भीओ के तो बहुत देर अभी बैठक चलते है, हमर सके इजाजत दियो। Thank you.